जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको वन परिक्षेत्र अंतर्गत। और यह बालको वन परिक्षेत्र अंतर्गत यह नर्सरी है जहां पर हजारों लाखों पौधों को जो है पौधों को यहां पर जो है देख रेख पौधों की जाती है, पौधों को बनाया जाता है, पौधे का रोपण किया जाता है, बीज डाले जाते हैं, तमाम प्रकार के प्रोसेस हम आज आपको बताएंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप जानेंगे कि किस तरह से पौधों को बीज लेकर जो है क्या क्या उसमें खाद और कितनी मिट्टी कितनी मात्रा में क्या क्या डाला जाता है। आप देख पा रहे हैं नर्सरी कितनी बेहतरीन और सुंदर प्रतीत हो रही है यहाँ से। और यहाँ जो कर्मी हैं वे काम करते रहते हैं और पौधों की देख रेख के साथ साथ पौधों में बीज कैसे पनपा जाता है, किस तरह से बीजों की रक्षा की जाती है और बीज को पौधे के रूप धारण करने तक कितने दिनों में रूप धारण कर लेते हैं, वो आकार ले लेते हैं, एक बीज एक पौधे का आकार कितने दिनों में ले लेता है, किस तरह की उसकी सिंचाई की जाती है, ये हम जानते हैं। देखिए पूरी यहाँ पर जो है इस तरह से जो है ये पैकेट बनाए जाते हैं, इसमें बीज डाली जाती है। मैम ये जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी हाल ही में नए पौधे रोपण यहाँ पर किए गए हैं। आइए हम जानते हैं कि देखिए ये जो है ये सागौन के जो है पौधे हैं जिनको बीज डाल के यहाँ पर, और ये इसका जो है अभी लगभग लगभग यह तैयार हो गया है। यहाँ भी देखिए आप देख पा रहे हैं ये इनमें बीज डाले गए हैं और अब यह अपना स्वरूप ले रहे हैं। ये जानते हैं यहाँ के जो नर्सरी की देख रेख करने वाले कर्मी हैं, अधिकारी कहना चाहिए, जो दिन रात यहाँ पर जो है देख रेख करके पौधों की रक्षा करते हैं, साथ ही बीज डालकर किस तरह से पौधों को बड़ा करते हैं, कितने चरण में होता है, कितने दिन में एक बीज तैयार हो जाता है जो पौधे का रूप धारण करता है। नमस्कार मैम, किस पद पे हैं आप? मैं फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षा के पद पे हूँ। क्या नाम है आपका? यहाँ सहायक प्रभारी हूँ दोनों नर्सरी की। मेरा नाम है हर्षवती लहरे। अच्छा, मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा ताकि लोगों तक नागरिकों तक यह जान जाए कि एक पौधा किस तरह से सींचा जाता है, कितने दिनों में वह बढ़ता है, उसमें कितनी खाद कितनी मिट्टी और किस तरह के खाद लगते हैं। ज़्यादा गर्म होने से बीज कभी कभी देखा गया है कि वे बीज पनप नहीं पाते हैं या सिड़न हो जाती है ज़्यादा पानी डालने से भी, तो क्या कुछ होता है मैम? जैसे कि हम देख रहे हैं ये जैसे हम अभी ये पौधे ये रोपे हैं, ये किस चीज़ के पौधे हैं मैम? ये अमलतास के पौधे हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं, फूल या किस मतलब नस्ल में, किस नस्ल में आते हैं ये? ये जो है अर्जुन जैसे है ना, वैसे ही है। अच्छा, और ये कितने बड़े हो जाते हैं? औषधि रूप में है, औषधीय पेड़ बनते हैं, औषधीय वृक्ष हैं होंगे ये जी। अच्छा, इनका बीज आपने डाला है जी? कितने दिनों पूर्व बीज डाला है इसमें हमने? इसमें एक महीने समथिंग हो गया होगा। अच्छा, तो ये आप देख पा रहे हैं एक महीने में इसका आकार महज यह जो है 2 से 3 इंच जो है अपनी तरक्की पर आ चुका है। और कितने दिनों तक इसको हम इस पैकेज में रखेंगे? जब तक ये 3-4 फीट तक हो जाएंगे, उसके बाद ये प्लांटेशन या फिर जहाँ निशुल्क पौधा वितरण होता है तो वहाँ जो पर हम हाँ, ले जाएंगे। जो लगाना चाहें तो कितना दिन में ये तैयार हो जाएगा? ये समथिंग अब जनवरी से पहले ये जुलाई में हो जाएगा रेडी, माने लगभग और 2 महीने इसको लगेंगे, 2 या 3 महीने लगभग। तो एक बीज डालने के बाद पौधे का रूप धारण पौधे का जब अपना आकार लेते हैं उसको तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं। मैम ये हम देख पा रहे हैं ये सागवान है, सागवान के बीज लगते हैं या डंडी लगती है? इसका भी बीज होता है? इसका बीज भी आता है लेकिन ज्यादातर ये इसका गाछी आता है, वो जो बोलते हैं गाछी बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, वही जैसा रहता है। हाँ, ये छोटा। अच्छा, तो उसको डायरेक्ट लगाया जाता है। तो ये कितने दिन में ये आकार लिया है मैम? ये सागवान ये 1 साल समथिंग पुराना है। 1 साल जी। तो देख सकते हैं आप, एक सागवान जो पौधा होता है जब वह पेड़ का रूप धारण लेता है वाकई में उसको बहुत दिन लगते हैं और इसीलिए यह इमारती लकड़ी के नाम पे जाना जाता है और बहुत ही मजबूत लकड़ी के नाम पर यह शुमार है। मैम जरा सा और आप बताएं, बहुत ही बेहतरीन जो है सुंदर प्रतीत हो रहा है आपका नर्सरी, निश्चित तौर पर आप लोगों ने बेहतर मेहनत किया है। ये और भी तमाम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि ये इसमें क्या हमने रोपण किया है, ये क्या है, ये बीज क्या डाले? बेल है, ये बेल है, ये जी।
अच्छा, इसकी बीज कितने दिन पहले हम डाले थे? ये मार्च में डाला गया है। अच्छा, तो मार्च में डाला गया है, मसलन अभी ये अप्रैल में जून, तीन महीना इसको हो गया, तो बेल भी बहुत धीरे धीरे ही आना है। ये झाड़ प्रजाति के है तो ज्यादा ऊंचा तो होता नहीं, ऊंचा भी नहीं होता है। जी जी, बेल है ये। बेल मित्रों आपने देखा होगा, बेल अगर आप बेल का जूस या रस या खाएं तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आइए देखिए हम और जानते हैं, लगभग औषधीय पौधों की भरमान मिलेगी आपको मेरे ख्याल से। मैम ये क्या है? खैर। खैर है तो इसका क्या मतलब, ये किस खैर? ये पेड़ बनेगा उसमें से खैर का वो जो गोंद जैसे बनता हाँ जी, है हाँ ना, जी। उसी के काम में आता है और छुरी वगैरह बनता है खैर को, जो गोंद होता है उससे। अच्छा, उसको गांव वाले इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं और सेल करते हैं उसको, फिर उसको उसका व्यवसाय पैसा। जाके हाँ, खरीदते हैं व्यवसाय के अकॉर्डिंग ये पर्पस ठीक रहता है। से है ये। तो ये इसमें भी बीज डाला है या कोई मतलब, ये बीज डाला ये था बीज डाला था, जी, ये कितने दिनों पहले हम बीज पहले डाले? हमने यहाँ पे मदर बेड में लगाया था, उसके अच्छा, बाद वहां से लगा निकाल के यहाँ पे ट्रांसप्लांट मदर किया। बेड किसको बोलते हैं? मदर बेड जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है आप हाँ देखिए, हाँ जी, एक इंच क्यारी, क्यारी नुमा। जी अच्छा, उठी हुई कैरी बोलते हैं इसको। थोड़ा सा हाइट ऊपर हाँ, उठा रेज्ड रहेगा, रहता जैसे है कि जी आलू वगैरह की खेती की जाती जी है। तो इसमें हम बीज लगा देते हैं, हाँ जी, फिर वो निकलता है उस जैसे ही, फिर 1 इंच करीब हो जाए, 1-2 इंच, तो फिर हम यहाँ उसमें क्या बोलते हैं, इसका ट्रांसफर करते हैं ट्रांसप्लांट यहाँ कर पे। देते हैं अच्छा, जी। ये तो ये कितने दिनों की मेहनत है मैम? ये ये भी मार्च में ही लगा होगा, मार्च अप्रैल मार्च में अप्रैल। लगा अच्छा, है जी लेकिन इसकी हाइट मैम हम देख पा रहे हैं, इसकी हाइट काफी अच्छी हो गई है, ये ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है इसके लिए, जी है ना, मतलब जी ये इस, जल्दी आ, तरक्की कर आ, जाते हैं। जी पौधे का अपना खुद वो है जी ग्रोथ जी करने का अलग अलग हाँ, एक महत्वपूर्ण सवाल करते हैं जी। कि इनमें तमाम प्रकार के जब हम बीज डालते हैं और इनको हम बड़ा करने का प्रयत्न करते हैं, पौधे का एक आकार लेगा, तो उसमें क्या खाद कितना रेशियो रहता है, मिट्टी कितनी डालते हैं और किस तरह का खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है या खातू जो गोबर की होती है, क्या होता है बताएं मैम? जब हम दोना भराई करते हैं जी उस टाइम पे रेत मिट्टी खाद गोबर ये सब का 2:1 अनुपात 1:1 अच्छा ऐसा मात्रा में रहता है। वर्मी मिलाते हैं और थोड़ा सा हड्डी चूरा नीम खली ये सब हड्डी चूरा किसे बोलते हैं? जानवरों के हड्डी को अच्छा जो रहता है पाउडर हाँ हाँ वो भी ओ मिलाते हैं। अच्छा, मतलब इतना महत्व नीम, रखता है सब हाँ चीज, नीम खली से कीड़े नहीं आते। ताकि कीड़े नहीं हाँ आते उनसे, ना, नीम खली से। इसलिए हाँ उसमें पॉलीथीन में सब ये सब मिक्स करके भरते हैं अच्छा, वाह, तो ये तमाम मेहनत है मैम। ये जो बहुत बड़ा, ये लास्ट आपसे हम अंतिम चरण पर हैं खबर के, ये क्या है मैम? ये काफी सुंदर भी प्रतीत हो रहा है, ये ये कौन काला सा, सीरस है, क्या है ये मैम? काला सीरस बोलते देख हैं पा रहे इसको हैं आप, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, काला सीरस। जी, इसका तो नाम है। ये ये किस, पेड़ बनेगा, अच्छा ये भी पेड़ बनेगा, और किस प्रजाति में आता है मैम ये? ये शिशु शीशम जैसे ही है, अच्छा, ये पेड़ रोड बनेगा किनारे लगाते हैं, ताकि छाया भी रहे, हाँ बस छाया इसके रहता है, अलावा? हाँ फ्लावर अच्छा निकलता अच्छा, है इनका फ्लावर भी आते हैं इसमें, जी। तो रोड मतलब सुंदर भी दिखेगा, छाया, है हाँ ना? छाया के लिए, सेट के लिए, रोड किनारे प्लांटेशन होता है अच्छा, उसके लिए। तो इसकी देखरेख आप करती हैं मैम यहाँ पर मास्टर रोल में, आपके पास जो जो कर्मी हैं जो यहाँ पर अपना श्रम दे रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, तो ये श्रमिकों का जो संख्या है वह कितना है आपके पास? यहाँ पे 10 हैं, बीच बीच में कम हो जाते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, अपने घर में काम रहते हैं उसके अनुसार आते हैं अच्छा, जी इनकी स्थाई नहीं होती है, जी मतलब जी जितने आए अपन कर लिए, इनका क्या वेतनमान कुछ होता है क्या मैम? नहीं, इनका लेबर लिस्ट में जो जॉब कार्ड है उसके दर पे मिलता है इन लोग को, पर डे के मनरेगा। अकॉर्डिंग? हाँ, मनरेगा जॉब कार्ड के अच्छा, दर पे मनरेगा के अकॉर्डिंग, उसी सिद्धांत से उनका जी। पेमेंट होता है, हाँ मतलब जी 90 दिन ये काम करेंगे फिर जी उनका, उनको नहीं, भुगतान हर करेंगे। हफ्ते 6 दिन का अच्छा बनता है, जो जितने दिन आए उतना दिन डालते हैं, 3 दिन आए 3 दिन, 6 दिन आए 6 दिन, ऐसा करके लगातार अच्छा थैंक यू मैम, आपका एक बार जी। और नाम पुनः बता दीजिए दर्शकों मेरा को। नाम है हर्षवती लहरे थैंक यू हर्षवती जी, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हमें प्रदान की, हमारे दर्शकों को प्रदान की। आशा करते हैं कि दर्शकों आप भी कुछ चीज़ों को समझा होगा और जाना होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, किस तरह से पौधों का रोपण किया जाता है, पौधों को किस तरह से सींचा जाता है, कितने दिन की मेहनत लगती है, क्या क्या खाद लगते हैं, किस तरह से उनमें। अच्छा मैम, एक इम्पॉर्टेंट लास्ट सवाल कि इनमें पानी किस किस मात्रा में कब कब देना चाहिए, अगर हम पौधा मतलब कोई बीज लगाते हैं तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के मिट्टी कैसी होनी अनुसार चाहिए? जी, जी, मिट्टी बलुई मिट्टी या रेतीली ये रहती माने है, सख्त दोमट नहीं मिट्टी होनी रहती है, चाहिए सख्त नहीं होनी क्योंकि चाहिए, उसको टाइट। पनपना हाँ है ना? टाइट रहते तो गर्मी में वो पनप नहीं पाता,
गर्मी हाँ में पानी के उसके उमस जी से जी वो निकल नहीं पाता, इसलिए वो मट्टी को हाँ हमको, बलुई रेतीली हाँ टाइप मिला के ही बना जी डालते हैं, जी जी इसीलिए और रेत वगैरह। पानी कितनी मात्रा में रखा जाए? कभी कभी बीज सड़ पानी जाते हैं ज्यादा पानी से भी, ऐसा भी है? जब बीज लगाते हैं उस टाइम पे हाँ हम लोग झारा से पानी देते हैं कम रूप में, हाँ यस जब वो बड़े हो जाते हैं उसके बाद हम लोग पाइप में देते हैं। ओके। तो देखिए यह चीज़ें हैं, पानी का रेशियो भी समझना होगा हमको, सिर्फ खाद और मिट्टी से ही काम नहीं चलेगा। किस तरह की मिट्टी का उपयोग करना है, वह ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट हो, ताकि उस बीज को जब निकले वहाँ से अपना आकार ले तो वह आसानी के साथ वहाँ से निकल जाए। धन्यवाद मित्रों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद।